भारत के प्रसिद्ध बाबा बालकनाथ मंदिर में अब श्रद्धालुओं के लिए लंगर की सुविधा प्रातः 9 से 3 बजे तक व शाम को 8 से 11 बजे तक मिलेगी। शुक्रवार को मंदिर ट्रस्ट की विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक के दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर के मंदिर अधिकारी ओपी लखनपाल द्वारा श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की गई। मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने निर्णय लिया कि मंदिर में लगने वाला लंगर अब सुबह 11 बजे की जगह अब प्रातः 9 बजे से शुरू हो जाएगा, जो बाद दोपहर 3 बजे तक चलेगा। इसके अतिरिक्त शाम को 8 से 11 बजे तक लंगर की सुविधा मिलेगी। ट्रस्टियों ने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि किसी भी प्रकार की समस्या के लिए मंदिर परिसर में मंदिर अधिकारी व ट्रस्टी हर समय सेवा के लिए उपलब्ध हैं। मंदिर प्रशासन द्वारा जगह जगह मंदिर व्यवस्था में लगे लोगों के मोबाइल नंबर अंकित किए गए हैं, जिन पर संपर्क किया जा सकता है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में परमेश्वरी दत्त, रमेश शर्मा, सुरेश चौधरी, पवन जगोता, सोमदत्त शर्मा व नरेश सहित कई अन्य मौजूद रहे। आज पेपर द्वारा पता चला कि कल यात्रियों ने कुछ अपना रोष प्रकट किया, उसके संबंध में हमारे कुछ न्यासियों ने बैठकर आज इसकी अपात बैठक की, जिसमें न्यासियों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि जो लंगर 11 बजे से लेकर 3 बजे शाम तक चलता था, उसका समय जो है वो बढ़ा दिया और वो अब लंगर 11 बजे की बजाय 9 बजे सुबह चलेगा और 3 बजे तक, 3 बजे के बाद बंद हो जाएगा और शाम को फिर वो लंगर की व्यवस्था वैसे ही 7 बजे से लेकर 11 बजे तक चली रहेगी। मीटिंग में जब पाया गया कि इस मंदिर अधिकारी का कोई रोल नहीं था, परंतु उसका नाम लगा दिया, इसके बारे में हमने सारी चर्चा की, बैठ के की, ट्रस्टियों के साथ की, और यात्रियों ने जो बोला कि लंगर का टाइम जो कम है, इसके लिए हमने सारे अपने आपस में चर्चा की और उसका हमने लंगर का समय जो 2 घंटे बढ़ा दिया। जो अखबारों के माध्यम से आज हम अलग अलग पेपरों में अलग अलग जो लिखा हुआ है, इसका मैं तो ऐसे बोल सकती हूँ कि मंदिर अधिकारी का इसमें कोई दोष नहीं है। मंदिर अधिकारी जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इससे पहले तो हम ट्रस्टी नहीं रहे, मैं इस बार नई ट्रस्टी आई हूँ पहली बार बनकर। तो जितने भी यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं, सभी ऐसे बोल रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था हमने कभी पहले नहीं देखी थी। आज हम सभी ट्रस्टी यहाँ बैठकर चर्चा कर रहे थे, जो आज पेपर में जो भी न्यूज़ लगी है। मंदिर अधिकारी जी आज काफ़ी इतना अच्छा काम करने के बाद भी इस तरह की जो व्यक्तित्व सामने आए हैं, काफ़ी दुखद है। जहाँ इतने संघ आए हैं, उन सब ने यहाँ की सफाई व्यवस्था, मंदिर अधिकारी के जो सफाई करी, काम किया, उसकी सब ने सराहना करी है। लेकिन कुछ लोग इस चीज़ का मुद्दा बना रहे हैं, हमें समझ नहीं आता। अगर कोई कमी यहाँ पे मंदिर में है तो वो सुझाव दे सकते हैं, हम उनके सुझावों के ऊपर और काम करेंगे। उधर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं ने मंदिर प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि मेलों के दौरान मंदिर में स्वच्छता के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ठहरने व लंगर की उचित व्यवस्था की गई है, जिसके लिए उन्होंने मंदिर प्रशासन की जमकर प्रशंसा की। PLTV ने मंदिर में विभिन्न स्थानों से आए श्रद्धालुओं से इस संदर्भ में विस्तार से बातचीत की, जिसमें उन्होंने मंदिर प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। 9 बजे पहुंचे थे, 10 हो गए बाबा जी। बड़े अच्छे। क्या व्यवस्था कैसी है यहाँ? अच्छी लगी। सफाई की, खाने ठहरने की व्यवस्था कैसी लगी आपको? तो यहाँ क्या व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। रहने की, खाने की कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी कोई नहीं? कोई सब ठीक। मंदिर में रहने और ठहरने की व्यवस्था ठीक थी, कोई परेशानी हुई आपको? यहाँ को दिक्कत ठहरे कहाँ थे आप? ठहरने की समस्या तो ना आई, को खाने की समस्या? बाकी ठहरने में कुछ समस्या तो नहीं आई आपको? लंगर में कोई व्यवस्था नहीं? बहुत बजे चल रहा है, वैसे वो जगह और थोड़ी खुली हो जाए तो बहुत अच्छा लगा। ठहरने और खाने की व्यवस्था भी हाँ ठीक है, ठीक है सर। बहुत ही अच्छी लोग, दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है। तो व्यवस्था कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। कोई कमी हो खाने में, सफाई में? पूरी सफाई है जी, कोई खाने की कमी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगे, ठीक से दिक्कत नहीं।
और प्रशासन द्वारा कोई समस्या? हाँ, प्रशासन वालों कोई नहीं, सारे गौर कर रहे हैं इसी लिए। पानी की, सफाई की, खाने की संतुष्ट है आप? अभी गुरु राय बाबा जी हमें वो लेके आए थे, उन्होंने हर साल आते हैं 20 साल।